कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। यह धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। क्या आदि पुरुष की शूटिंग लोकेशन हो सकती है चेंज? सनी सिंह कितने एक्साइटेड है लक्ष्मण के रूप में दिखने के लिए? डायरेक्टर ओम राउत ने प्रभास के वैनिटी कार का लुक किया शेयर। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए प्रभास की एक और धांसु फिल्म आदि पुरुष से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। अब फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। आदि पुरुष को इंडियन एपिक का रूपांतरण कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के इर्द गिर्द घूमता है। प्रभास ने भगवान राम का रूप लिया है, जबकि कृति सनोन ने उनकी पत्नी सीता की भूमिका निभाई है। प्रभास स्टारर की कास्ट और क्रू फिल्म का आखिरी शेड्यूल शुरू करने के लिए आदि पुरुष 17 सितंबर को मुंबई के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने जुलाई में हैदराबाद में फिल्म पोस्ट लॉकडाउन 2021 की शूटिंग फिर से शुरू की। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कृति सैनन, सैफ अली खान, सनी सिंह, देवदत्त नागे, तृप्ति तुलाधमल और वत्सल शेठ मुख्य भूमिका में हैं। अक्टूबर के थर्ड वीक तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। क्लाइमेक्स सीक्वेंस को छोड़कर ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है। सुनने में ये भी आया कि क्लाइमेक्स सीन शूट करने के लिए एक बार फिर शूटिंग लोकेशन बदली जा सकती है। फिलहाल अभी तक लोकेशन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। फिल्म का म्यूजिक कंपोज सचेत परंपरा ने तैयार किया है। टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फाइल्स द्वारा संचालित फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वहीं आदि पुरुष में लक्ष्मण का किरदार निभाकर काफी खुश हैं सनी सिंह। सोनू के टीटू की स्वीटी में मुख्य अभिनेता सनी सिंह ने अपनी फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लिया है। इस साल की शुरुआत में अभिनेता ने इस बात को पहले ही संकेत दे दिया था कि 2021 उनके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। उन्होंने अब परियोजना पर काम करने के अपने अनुभव को शेयर करते हुए इस टॉपिक पर और बात की। उन्होंने कहा, आदि पुरुष मेरी पहली अखिल भारतीय फिल्म होगी। जब मुझे यह फिल्म ऑफर हुई तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था कि मैं कितना खुश था। बड़े पर्दे पर लक्ष्मण का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत अलग अनुभव होने जा रहा है, क्योंकि मेरी पिछली फिल्में कॉमर्शियल फिल्में रही हैं, लेकिन यह अब तक की सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। अंत में, यह एक पैन इंडिया फिल्म है जो सनी सिंह के लिए बहुत ही खास है। ये एक फैक्ट है कि तेलुगु फिल्म भारत में बॉलीवुड के बाद बड़े एंटरटेनमेंट लाइन में से एक है। तो वहीं लग्जेरियस लाइफस्टाइल जैसे कार, रेसिडेंस और वैनिटी वैन, टॉलीवुड में लगभग सभी स्टार अभिनेताओं के पास करोड़ों रुपए की लग्जरी वैनिटी वैन है। तो वहीं डायरेक्टर ने प्रभास की यह बात बताई, ना केवल वो ऐसी वैन खरीदते हैं बल्कि बाजार में उपलब्ध सभी लेटेस्ट फीचर और टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें समय समय पर अपग्रेड भी करते रहते हैं। महेश बाबू ने अपनी वैनिटी वैन को 5 करोड़ रुपए के साथ अपग्रेड कराने के बारे में बहुत पहले सुना गया था। सनरूफ फीचर वाली नई कस्टमाइज्ड वैनिटी वैन को ओम स्पेस द्वारा निर्देशित आदि पुरुष के सेट पर प्रभास के प्रशंसकों के साथ शेयर करने के बाद देखा गया है, और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर काम पर रहते हुए भी प्राकृतिक के करीब रहना लिखा है। सो गाइस, फिल्म की रिलीज डेट फिक्स हो चुकी है। अब जल्द से जल्द आपको एक बार फिर रामायण देखने का मौका जरूर मिलेगा। और भी सारी नई अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कॉमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका आपसे इजाजत देती हूँ। टाटा बाय, टेक केयर।